हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इडली डोसा का बैटर। इस एक ही बैटर से आप इडली डोसा उत्तपा अप्पे जैसी कई सारी साउथ इंडियन रेसिपीज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है राइस। आप कोई भी राइस यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टुकड़ा राइस यूज किया है। तो मेजरमेंट है 2 कप राइस एंड 1 कप उड़द दाल। इसमें 2x1 का मेज़रमेंट रखना है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मेथी के दाने और इस मिक्सर को हम अच्छे से धो करके 6 से 8 घंटों के लिए भिगो देंगे। देखिए अब दाल चावल अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसे हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना डालें पीसते वक्त। देखिए अब हमने ग्राइंड कर लिया है। इसे एक पॉट में निकाल लेते हैं। आप इस बैटर को निकालने के लिए जो भी कंटेनर ले वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि बाद में फर्मेंटेड होने के बाद उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। इसी तरह और भी मिक्सचर को हम पीस लेते हैं। देखिए सारा बैटर हमने पीस लिया है। अब इसे अच्छे से फर्मेंटेड करने के लिए आपको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक फेंटना होगा और फेंटने के बाद इसे ढककर किसी गर्म जगह पर ओवरनाइट या 10 से 12 घंटे के लिए फर्मेंटेड होने के लिए रख दें। चलिए चेक करते हैं। देखिए बैटर कितनी अच्छे से फर्मेंट हुआ है। आप इस बैटर से इडली डोसा उत्तपा कुछ भी बनाइए। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।